हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय मलिक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट चैनल। आज हम marq की फ्लिपकार्ट का जो ब्रांड है फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन, इसके फंक्शन को जानेंगे। तो इसके एक्सेसरीज को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम ये आउटलेट वाटर पाइप है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये पाइप हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अभी हम जो वॉशिंग मशीन की इनलेट पाइप है उसको कनेक्ट करेंगे। इनलेट पाइप का जो ये वाला हिस्सा है ये मशीन में फिक्स होगा। जो पाइप का ये दूसरा हिस्सा है ये यहाँ पे इसके अंदर फिक्स होगा। यहाँ पे ये जो टैप है ये इसी के साथ आती है, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको टाइट कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ से ये होल्ड दिया गया है, इसको ऐसे पुश करेंगे और ये फिक्स हो जाएगा। वाटर को हम यहाँ से शुरू चालू कर देंगे। वॉशिंग मशीन को अभी हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे। मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमें ऑन ऑफ पावर को ऑन या ऑफ करना होगा। ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है, मशीन ऑन हो चुकी है। यहाँ से हम प्रोग्राम सेट करेंगे, स्टैंडर्ड, हैवी, जेंटल, एक्सप्रेस, सोक, वॉश, रिंस या स्पिन्स। इसमें हम अकेले वॉश भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 20 मिनट में ऑटोमेटिक अपने आप वॉश कर देगी। यहाँ पे वाटर लेवल आप सेट कर सकते हैं और इसके अंदर हम अकेला रिंस और स्पिन्स भी कर सकते हैं, रिंस और स्पिन और अकेला स्पिन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके फंक्शन को जान लेते हैं। जैसे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं होती शुरुआत में, तो हम अगर इसको स्टार्ट से शुरू कर देंगे तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा कुछ अपने आप लेगी, वाटर अपने हिसाब से लेगी, सारा कुछ अपने आप एडजस्ट करेगी। तो नॉर्मल कपड़ों के लिए हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे, हैवी के लिए हैवी यूज करेंगे। इससे हम चेंज करेंगे प्रोग्राम को। अभी स्टैंडर्ड पे है, अभी ये स्टैंडर्ड पे है तो ये वॉशिंग मशीन क्या क्या करेगी, वॉश करेगी, रिंस करेगी और स्पिन करेगी। अगर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं तो ये वाले फंक्शन इसमें काम करेंगे। तो इसमें हम देख सकते, जैसे मशीन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन यही आएगा, स्टैंडर्ड, वॉश, रिंस, स्पिन। इसके बाद हम इसको सोक भी कर सकते हैं। ये देखिए सोप का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको इनका मतलब बता देता हूँ सभी का। आठ प्रोग्राम जो हैं, स्टैंडर्ड जो होता है उसमें हमारे नॉर्मल कपड़े आते हैं, हैवी में
हैवी कपड़े आते हैं, जेंटल जैसे हमारी जर्सी स्वेटर। एक्सप्रेस में होता है कि इसमें ये सारा काम करेगी एक्सप्रेस में, जैसे 16 मिनट में 16 मिनट में ये सारा कुछ करके देगी आपको। सोक, सोक वो होता है जिसमें हम भिगो के रखते हैं कपड़ों को। वाश धोगी, धोएगी मशीन, और रिंस मतलब पानी में से निकाल लेगी। वो स्पिन होता है, पानी मतलब बिल्कुल साफ कर देगी, सुखा देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो स्टैंडर्ड जैसे नॉर्मल कपड़ों के लिए अगर हमें भिगो के रखने हैं तो हम सोक पे लगा देंगे इस मशीन को और स्टार्ट का स्टार्ट पे प्रेस कर देंगे तो ये अपने आप शुरू हो जाएगी, अपने आप पानी ले लेगी। तो हैवी के लिए इसको जैसे प्रोग्राम को प्रेस करेंगे तो हैवी पे आ जाएगा। हैवी में क्या क्या करेगी, वॉश करेगी, रिंस करेगी, स्पिन करेगी, और ये पानी अपने हिसाब से हम एडजस्ट नहीं कर सकते इसमें। हैवी में ये अपने आप पूरा पूरा टब लेगी और ये 64 मिनट में क्लीन करेगी। हैवी में सोक करना चाहें तो हम सोक करके भी रख सकते हैं कपड़ों को। इसके बाद जेंटल, जेंटल में वॉश, रिंस और स्पिन 56 मिनट में। वाटर लेवल हम उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में ये 19 मिनट, ये 16 मिनट बता रही है। मतलब अगर पानी इसमें इतना होगा तो एक पॉइंट पे पानी होगा तो मतलब 16 मिनट लेगी, दो पे होगा तो 19 मिनट, और तीन पे होगा तो 27 मिनट लेगी। और इसमें ये आ गया वॉश, 20 मिनट में ये वॉश करेगी, अकेला वॉश कर सकती है। वाटर लेवल हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिंस, रिंस में रिंस और स्पिन ये साथ में करेगी कपड़ों को, मतलब कपड़ों को सर्फ सर्फ से अलग कर देगी और मतलब जो पानी है उसको बिल्कुल बिल्कुल साफ से कपड़ों को निकाल के देगी आपको, और स्पिन करेगी कपड़ों को सुखा के आपको देगी। इसके बाद इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो ये स्पिन पे आ जाता है। स्पिन में हम क्या कर सकते हैं, स्पिन में सिर्फ हम कपड़ों को सुखा सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीसेट, प्रीसेट में क्या होता है कि हम टाइम सेट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमें एक घंटे के बाद चलाना है, 1 आवर के बाद इसको मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रीसेट और टब क्लीन को दबा के रखेंगे तो यहाँ पे चार्ट लॉक इसमें एक्टिव हो जाएगा, और इसके अंदर टब क्लीन का ऑप्शन दिया गया है। कपड़े धोने के बाद अगर इसको टब क्लीन को हम सेट कर देते हैं तो ये अपने आप टब को साफ कर लेगी